happening in the state of Jharkhand. In the state of Jharkhand, remember a few days back, a Congress leader had announced subsidies to infiltrators. Now we have breaking news coming in where we learned that days after he ordered LPG subsidy to infiltrators, Congress leader Ghulam Ahmed Mir has defended his statement, alleging that it was misinterpreted. Speaking in the Ogre, he emphasized that the cylinders under government schemes will be provided only to those with proper identity cards issued by the central government. Mir Ahmed also dismissed BJP's claims about intruders, challenging them to present evidence instead of using the issue for electoral gains. So here you have a Congress leader who first promises incentives, then goes around to defend his statement, also taking a U-turn instead, saying that he was talking about all those people who fell actually onto the government schemes. And later on, in point of time when Republic confronts him, he completely dismisses the case of infiltration in the state and calls it a fiction. Listen into that confrontation that my colleague Anoop has had with Congress leader Ghulam Ahmed Mir. बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ आपका और उसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए इन लोगों ने मान लिया कि यहां घुसपैठ है। नहीं देखिए वो तोड़ मरोड़ कर जिस किसी ने भी पेश किया है, मगर बेसिकली पिछले 4-5 महीने से लगातार भाजपा के बड़े स्टलवार्ट्स ये घुसपेटिया की बात कर रहे हैं तो लगातार हम लोगों ने 4 महीने से सवाल पूछा है कि आपको देश ने जिम्मेदारी दी है पिछले 11 साल से और देश की सुरक्षा, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा और देश के सिटीजन्स की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर आपके नज़र में कोई ऐसा है देश के अंदर आए किसी भी भाग में तो आपकी जिम्मेदारी पर थी उनको नंगा करो, उनको आइडेंटिफाई करो। अदरवाइज जिस तरह से आप ये म्यूजिक चला रहे हैं तो इससे क्या है कि जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं वो हरास फील कर रहे हैं। तो इसलिए वो तो आज तक वो बता नहीं पाए, बल्कि अपने फेलियर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर्स खुद ही बता रहे हैं। जो जिम्मेदारी ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट की तो उस पर सवाल करना, उस परिप्रेक्ष्य में वो बात आपको सामने आई थी, मगर वो सारा चीज़ उनने बताया नहीं कि जब हमने उन पर सवाल किया है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद ही अपने फेलियर्स लोगों के सामने बता रहे हो, अगर आप इतने ही फेलियर है तो देन यू शुड रिजाइन। सर ये 450 रुपये जो सिलेंडर की आपने बात की, क्या टंग ट्विस्ट था ये? तो आप उसको टंग ट्विस्ट कही या सिलेक्टिव कोई वर्ड उसने निकाल दिया, जब हमने कहा कि हमारे नज़र में, हमारे रिकॉर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दिया ही नहीं, तो देयरफॉर हम जो बात कर रहे हैं हम झारखंड वासियों से बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के वोटर है, जो यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किए हैं, तो वो भी आपकी एजेंसी है। तो जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम मतलब प्रोग्राम दे रहे हैं वो यहाँ के रहने वालों के लिए दे रहे हैं, यहाँ के वोटर्स के लिए दे रहे हैं, उसमें कौन क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो इसलिए फिर मतलब उस ट्विस्ट को बना करके पेश करना दूसरी तरफ से वो उनका काम है, मगर हमारा सीधा मतलब है जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, जो झारखंड में रजिस्टर्ड, चाहे वो बिहार से आए, चाहे यूपी से आए, चाहे छत्तीसगढ़ से आए, अगर उनको वो घुसपैठिया कहते हैं तो उनका काम है, मगर हमारे लिए तो वो देशवासी हैं।